कोयला मजदूरों के 11वें वेतन समझौता तथा सीसीएल के मजदूर विस्थापित होने के ज्वलंत समस्याओं के प्रति प्रबंधन की टालमटोल रवैया के विरोध में झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। धरने पर बैठे झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष फागू बेसरा ने बताया कि आज भारत के सभी मुख्यालय में धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रबंधन के अड़ियल रवैया के कारण लगभग 1.5 साल से ये मामला लंबित है। मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई है क्योंकि उन्हें उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। विस्थापितों की समस्या का भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। प्रबंधन से हमेशा ही आग्रह किया गया है पर प्रबंधन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है जिसके कारण आज हम यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के निजीकरण के फैसला के खिलाफ 11वां वेतन समझौता को लेकर और विस्थापितों की समस्याओं को लेकर आज झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन पूरे सड़क पर है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। सीसीएल के हेडक्वार्टर में, बीसीसीएल के हेडक्वार्टर में और ईसीएल के हेडक्वार्टर में हम लोग 19 सूत्री मांग हम लोग कोल इंडिया प्रबंधन को हम लोगों ने दिया है, जिसमें एक नंबर में हम लोगों का 11वां वेतन समझौता है। प्रबंधन के टाल मटोल से आज 11वां वेतन समझौता हम लोग का लंबित है और प्रबंधन 3% से ज़्यादा बढ़ोतरी के पक्ष में नहीं है। सभी ट्रेड यूनियन ने प्रस्ताव दे दिया है कि कम से कम 28% मूल वेतन का बढ़ोतरी 11वां वेतन समझौता में मजदूरों को देना होगा, लेकिन प्रबंधन उसके लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हम लोग 11वां वेतन समझौता को अविलंब लागू करने के लिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो यहाँ जो विस्थापितों का जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिनको आज तक ना नौकरी मिला, ना कंपनसेशन मिला, ना अन्य वैकल्पिक रोजगार को का व्यवस्था कंपनी ने किया। हम लोगों ने 2013 कानून के तहत कंपनसेशन, नौकरी और अन्य लाभ देने के लिए भारत सरकार से और कोल इंडिया प्रबंधन से हम लोग कर रहे हैं। सरकार ये मोदी सरकार के गलत निर्णय के कारण ही आज बेज बोर्ड में फैसला लेने में मैनेजमेंट टालमटोल कर रही है। या निजीकरण का फैसला, ये कोल इंडिया का फैसला नहीं है, ये भारत सरकार का फैसला है। 160 कोयला खदान को निजी हाथों में देने का ये कोयला मंत्रालय भारत सरकार ने निर्णय लिया है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। राज्य सरकार तो केंद्र सरकार का जो नीति है, आपने देखा होगा दिल्ली में जो क्षेत्रीय स्तर की जो मीटिंग हुआ गृह मंत्री के नेतृत्व में कलकत्ता में, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोयला खदान में, या कोयला खदान सीसीएल ने बंद कर दिया, उसमें अवैध माइनिंग का काम चलता है और उसको अनलीगल ढंग से मैनेजमेंट, जो खदान अगर बंद करना है उसको बंद कर दो, चालू करना है तो चालू करो। झारखंड सरकार झारखंड के कोल इंडिया मजदूरों के साथ है। पैसा खा जा रहा है एक बहुत चिंता का विषय है। झारखंड का 136,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास रॉयल्टी और कंपनसेशन का पैसा बकाया है। कई बार मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को पत्र लिख चुके हैं। अगर 136,000 करोड़ रुपया अगर झारखंड का डीज अगर मिल जाएगा तो झारखंड का नक्शा बदलेगा, झारखंड का विकास किस गति से होगा। झारखंड अमीर राज्य है लेकिन यहाँ रहने वाले लोग गरीब हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। खा कौन रहा है? भारत सरकार दबा के रखा हुआ है, खा कौन दे रहा है? देना चाहिए था, राज्य का अधिकार है, देश का संविधान है, हमारा संघीय व्यवस्था है, उसके अंदर में राज्य का जो हिस्सा बनता है वो देना चाहिए। फागू बेसरा, महासचिव झारखंड कोलियरी मजदूर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।